मैं गोरखपुर से, और आप कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो में कोई भी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, एक DIY लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैंने एक DIY बनाया था इसी तरीके का, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। और पीछे भी मेरा DIY दिखला है, एक पिलो है और वहाँ पर मेरी बेटी ने बनाया था। ये दोनों चीज़ें मेरे चैनल पर है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये DIY मैं रिक्वेस्टेड है ये। और जैसे कि आप घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे लगता है कि फेंक दें, और बिल्कुल आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया करिए कि इसका कुछ यूज़ हो सकता है, और बहुत ही यूज़फुल चीज़ मैंने बनाई है इस पर, और बहुत ही कम बजट में। बजट क्या कुछ भी नहीं लगना है, आपका थोड़ा सा समय लगना है, वो भी समय सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको आपने इसमें देना है, और बहुत ही आपका एक बहुत ही अच्छा DIY तैयार हो जाएगा। तो मेरे वीडियो पे जो पहली बार है वो मुझे मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक आटे की थैली ले रखी है और जिसे हमने वॉश कर लिया है। जैसे कि आटा खाली हो जाता है तो उसके बाद से उसमें कुछ आटे लगे रहते हैं, तो उसे वॉश कर लीजिए और थोड़ा सा धूप में या फिर छांव में ही रख दीजिए। सूख जाने के बाद से ये हमने ले लिया है। और ये कुछ मेरी एक पुरानी बेडशीट थी जिसके ऊपर हमने बिछा लिया है, और उसके बाद से ऊपर से ये कवर कर देंगे इस वाले हिस्से को। तो ये देखिए हमने कवर कर दिया है कुछ इस तरीके से, और ये साइड में हमने कपड़ा जोड़ा हुआ है, तो ये छोटा था तो हमने इसमें जोड़ दिया है। और ये चारों तरफ से हम लोग ऐसे सिलाई कर लेंगे। पहले अच्छी तरीके से इसको वो कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, और ये जो बड़ा हुआ वाला हिस्सा है इसे कैंची की हेल्प से काट देंगे। तो कट कर दिया है हमने। और जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए ये हमने कर लिया है। और अब जो है इस वाले हिस्से को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ऐसे करके अंदर की तरफ करके, और ये वाला हिस्सा ऐसे मोड़ के चारों तरफ से हम लोग कच्चा कर लेंगे इसको को। आप चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं इस पर। तो पहले हम लोग बराबर कर लेंगे इसको, और बराबर ये हमने कर लिया है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे हम कट कर देंगे। और इसके पहले भी मैं इसी तरीके का एक लेके आई थी, साड़ी और प्लास्टिक का जो बोरी होती है उसकी हेल्प से मैंने बनाया था। तो देखिए ये तैयार हो चुका है, एक मेरा तैयार हो चुका है। इसे मैंने थैला बना के इसके अंदर मैंने प्लास्टिक लगा दी है, और यहाँ पर कच्चा कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे कच्चा कर लिया है। तो ये बिल्कुल आसानी से आप इसे, जब गंदी हो जाए तो आप निकाल लीजिए, वॉश कर लीजिए, और फिर दूसरा यहाँ देखिए थोड़ी सी बच गई है, तो इसे मैं सिल लूँगी। और ये देखिए ये साइड से हमने मतलब तीन तरफ से चला लिया है, फिर प्लास्टिक इसके अंदर डाला है, और फिर खुले वाले हिस्से को हमने सिल लिया। जैसे पिलो की तरीके से आप इसे बना सकती हैं। तो ये बन चुका है। और दूसरा वाला ये हमें यहाँ पर सुई में हमने धागा डाल लिया है, और फिर उसको कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पे गट्ठी लगा लिया है, कैसे करते हैं। तो ये साइड से हमने सिल लिया है, और अब मैं इसे बराबर करते हुए ताकि प्लास्टिक अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब बीचों बीच भी सिलाई कर सकते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक इस तो इधर उधर हिले नहीं। तो जैसा कि हमने बताया था कि प्लास्टिक की बोरी से और साड़ी की हेल्प से हमने बनाया था। तो साड़ी एक का बॉर्डर लगा के और साड़ी बीच में रख के, मतलब बीच में प्लास्टिक की बोरी थी और दोनों तरफ से हमने साड़ी रखी थी, और वो भी फोल्ड करके। तो और काफ़ी पसंद किया था आप लोगों ने, और बहुत ही यूज़फुल था वो। बड़े मतलब उसको बड़ा सा बनाया था, जितना प्लास्टिक की बोरी तो बड़ी आती है, तो वो बहुत ही बड़ा सा बनाया था उसको। तो ठंडक के दिनों में आप उसे नीचे बिछा के बैठ भी सकते हैं, आप कुछ भी उस पर सब्जियाँ काटनी हो या कुछ भी करना हो वो कर सकते हैं आप लोग आराम से बैठ के, या फिर योगा ही करना हो या जो भी करना हो तो वो उसके ऊपर बैठ के आप लोग कर सकते हैं। और ये वाला हमने बनाया है, ये छोटा सा है, प्लास्टिक की थैली है, तो इसे हमने इस यूज़ में लिया है। जैसे कि आप बिस्तर पे बैठ के कभी लगता है कि नहीं
टेबल पे खाना खाएंगे नहीं और कहीं भी नहीं, बिस्तर पे ही खाना खाएंगे। तो इसके लिए ये हमने तैयार किया है और बहुत ही आसानी से बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका तैयार हो जाता है। तो घर पे ही चीज़ें जो बची खुची रहती हैं उससे हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे बेडशीट तो बहुत लोग के घर में होता है कि जो थोड़ी फट जाती हैं या थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कलर फेड हो जाता है या फिर बिछाने की इच्छा नहीं होती, काफ़ी टाइम से आप बिछाते रहिए, तो उसको आप इस यूज़ में ले सकते हैं आप। और उसके बाद से आप बना लीजिए इसको, तो बिस्तर पे रख के इसको यहाँ पे हम लोग खाना रख के खा सकते हैं थाली में। और जैसे बच्चे भी होते हैं कि नहीं बिस्तर पे ही देना है मुझे खाना, तो उसके लिए भी है कि आप बिछा दीजिए और बच्चों को, बच्चे खा लेंगे, जो भी गिरेगा इसी के ऊपर गिरेगा, बेडशीट आपकी गंदी नहीं होगी। और इसे बनाने के बाद से आप इसको आसानी से मिल जाए तो गद्दे के नीचे आप रख लीजिए, तो कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये मिल जाएगा। और मेरी बेटी बहुत खुश हुई थी कि मम्मी ऐसा कुछ बना रही है। तो होता है कि खाली टाइम हो तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहिए जिससे कि आपकी चीज़ें भी यूज़ हो जाए, आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। तो और दूसरों को भी दिखाइए ताकि दूसरे भी उसे सीख के और कुछ अच्छा करें। तो बस वही सोच के हमने बनाया है ये। और इसका एक और बहुत ही बढ़िया यूज़ है, वो मैं बताऊंगी आपको अगले किसी वीडियो में। तो यहाँ देखिए दोनों ये तैयार हो चुका है और ये थोड़ी बड़ी है, 5 या 10 किलो की ये बोरी होगी आटे की, तो उससे हमने बनाया है प्लास्टिक। और ये वाला छोटा वाला आई थिंक 4 किलो या जो भी है, तो यहाँ साइड से मैं पकड़ के ऐसे सिल दूँगी। तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ बहुत कम आता है ये थैला, जैसे कि गेहूं बिल्कुल ख़त्म हो गया है या समय नहीं है, तो आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया समय नहीं है, तो हम लोग ये होता कि बाहर से ले लेते हैं। तो वही वाला थैला बचा हुआ था तो उससे ही हमने बनाया ये। और आप इसी तरीके से काट के छोटे छोटे, जैसे आप एक शेप में काट के आप बना सकते हैं इसको। जैसे डाइनिंग टेबल पे आपको रखना है तो मैट के रूप में डाइनिंग टेबल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, 6 पीस या 4 पीस बना के। तो वो भी काफ़ी, किसी दिन बनाऊंगी मैं उसको भी लेके आऊंगी मैं किसी दिन वीडियो। और तो देखिए ये तैयार हो चुका है। और काफ़ी अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग सहयोग बनाए रखिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बहुत ढेर सारा लाइक दीजिएगा। और देखिए दोनों बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच।